हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जे आर ट्यूटोरियल में। ओके, तो अगर कोई मुझे जानता है, पहले से मेरा वीडियो देख रहा है, सो उनको पता होगा कि लाइक मेरा नाम संजीव पांडे है। ओके, मैं यहाँ पे 12th फिजिक्स को पढ़ाता हूँ। ओके, बट आज से मैं आपको 12th और 11th दोनों फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th फिजिक्स, और हमारा 11th फिजिक्स का जो टॉपिक है दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, सो यूनिट एंड मेजरमेंट या फिर चैप्टर की बात करने से पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि लाइक तुम लोग अभी 10th से 11th आए हो। ओके, अभी तुम लोग ने हाल ही में 10th का एग्जाम दिया, 10th का रिजल्ट आया, तुम लोग बहुत अच्छे से पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ओके, अब तुमको पढ़ना है फिजिक्स। तो 10th तक क्या होता था, हम लोग साइंस 1 साइंस 2 पढ़ते थे, जहां पे केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सारा का सारा एक ही बुक में था। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों चीजें अलग हो जाएंगी, लाइक यहाँ पे फिजिक्स अलग हो जाएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, यहाँ पे बायोलॉजी अलग हो जाएगा। ओके, सो जो फिजिक्स वाला पार्ट है, जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक। ओके, सो आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, सब लोग अपना अपना पॉपकॉर्न, अपना अपना पिज्जा बर्गर सारा चीज लेके बैठ जाइए। ओके, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने के लिए। याद रखना, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको सिर्फ दो चीजें चाहिए, मात्र दो चीजें। सबसे पहला विजुअलाइजेशन, कि तुम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हो फिजिक्स को, कैसे तुम लोग फिजिक्स को फील कर सकते हो। और सेकेंड चीज है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा डेडिकेशन। ओके, कि हम लोग कितना अच्छे से, देखो फिजिक्स बहुत लोगों को ऐसा लगता है बहुत टफ है। ओके, सो वो मेंटालिटी दिमाग से हटा दो, फिजिक्स सबसे सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर तुम लोग उसको कंसेप्चुअली समझोगे तो। अगर उसको रटने जाओगे तो ऑब्वियसली रटने के लिए बहुत ही हार्ड, बहुत हार्ड है रटने के लिए, बट समझने के लिए सबसे इजी और सबसे मजेदार है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th फिजिक्स, और 11th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, सो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट से पहले समझ लेते हैं फिजिक्स क्या है। देखो, फिजिक्स का बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द लाइक लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, सब लोग ने फिजिक्स को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो तुम लोग भी अपना एक डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू मी भाई फिजिक्स क्या है, अनडिफाइंड है। ओके, क्योंकि अभी तक जिसका खोज नहीं हुआ उसको डेफिनेशन कैसे दे। ओके, उसको डेफिनेशन कैसे दे। ओके, तुम लोग अपना डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत पहले से डेफिनेशन अवेलेबल है, बहुत साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया है, तो सारा चीज अवेलेबल है। ओके, फिजिक्स हमको पता है फिजिक्स क्या है। ओके, नथिंग बट अ फैन इज रोटेटिंग इज अ फिजिक्स। ओके, नथिंग बट अ फैन इज रोटेटिंग इज अ फिजिक्स। भाई बाइक मूव हो रहा है कहां पे, रोड पे, नथिंग बट अ फिजिक्स, यस और नो। ओके, यहां पे मेरा हाथ मूव हो रहा है, नथिंग बट अ फिजिक्स, इसके पीछे भी फिजिक्स है, दिस इज द एंगुलर मोशन। 12th में टॉपिक चल रहा है एंगुलर मोशन का, अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ सकते हो अभी भी। ओके, सो एवरीथिंग इज फिजिक्स। ओके, तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये सारा का सारा फिजिक्स की वजह से हो रही है। मोशन, देखो जहां पे मोशन की बात आती है, जहां पे थर्मल की बात आती है, ओके, जहां पे इलेक्ट्रिकल की बात आती है, जहां पे करंट की बात आती है, जहां पे काइनेमेटिक्स आता है, जहां पे डायनामिक्स आता है, लाइक मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते। ओके, मैं बोलते बोलते लिटरली मैं थक जाऊंगा, फिर भी फिजिक्स खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है फिजिक्स। ओके, सो तुम लोग कोई भी डेफिनेशन देख सकते हो, एवरी डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन, जो तुम लोग जहां से जो डेफिनेशन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो फिजिक्स का डेफिनेशन। ओके, चलो, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट की कहानी कहां से आती है, हम लोग ने इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है, लाइक हम लोग ने, हमको पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास दैट इज केजी, हमको पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर, हमको पता है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज केल्विन, ये सारा चीज पता है। बट ये कहानी आती क्यों है, ये कहानी आती क्यों है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यों आती है। ओके, तो यूनिट क्या होता है, देखो यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हेल्प होता है। लाइक अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि घर पे जाओ, ओके, मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरे को 100 रुपया दो, अब 100 रुपया लो और दुकान में जाओ और बोलो कि मेरे को 5 किलो चीनी चाहिए, तो तुमको जो ग्राहक है, लाइक जो वेंडर है, जो तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो तुमको दे देगा। एट द सेम टाइम तुम लोग दुकान पे जाओ, बोलो मेरे को 5 चीनी चाहिए, क्या चाहिए, 5 चीनी चाहिए, सिर्फ 5 चीनी, तो तुमको क्या करेगा वो, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, 5 चीनी देगा, बोलेगा जा हो गया 5 चीनी। ओके, सो तुम्हारा रिक्वायरमेंट 5 चीनी का था क्या, नहीं, तुम्हारा रिक्वायरमेंट किसका था, 5 केजी का था। अब 5 केजी उसको डिफाइन कर रहा है, लाइक उस दुकानदार को फटाक से समझ में आ गया कि इसने बोला 5 केजी, तो 5 केजी मतलब इसको 5 किलो चीनी चाहिए। ओके, सो दैट यूनिट डिफाइन द क्वांटिटी।
वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। क्वांटिटी क्या होती है देखने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूनिट का मतलब क्या होता है, लाइक यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्वांटिटी को कैसे पहचानते हैं, ओके वो चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है। क्लियर, बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, ओके चलो। तो वी हैव फोर सिस्टम, वी हैव फोर यूनिट सिस्टम। पहला जो सिस्टम था दैट इज द सीजीएस सिस्टम, द सेकंड सिस्टम इज योर एमपीएस सिस्टम, थर्ड सिस्टम इज योर एफपीएस सिस्टम, एंड द लास्ट सिस्टम इज एसआई सिस्टम, जो हम लोग अभी रिसेंटली हम फॉलो कर रहे हैं। लाइक मेरे ख्याल से 50 साल से हम लोग ये चीज फॉलो कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग ये सब फॉलो करते थे, ओके? अब ये सिस्टम में ड्रॉबैक्स क्या था कि लाइक अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम फॉलो करती थी। लाइक यूएसए में कोई और सिस्टम फॉलो हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ और सिस्टम फॉलो हो रहा है, इंडियन कंट्रीज में कुछ और सिस्टम, लाइक एशियन कंट्रीज में कुछ और सिस्टम फॉलो हो रहा है, इंडिया में कुछ और सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो हर एक का मीनिंग अलग अलग हो जाता था, हर एक का मीनिंग क्या हो जाता था, अलग अलग हो जाता था। लाइक अगर तुम लोग अभी भी जाओगे ना गाँव साइड, ट्रेडिशनल है वहां पे ना एरिया को यार्ड में या फिर मीटर स्क्वायर में यहाँ पे या फिर एकर्स में नहीं नापा जाता, वहां पे अलग अलग चीज होती है, वहां पे हर एक जगह बिस्सा, ओके तुम लोगों ने वर्ड सुना रहेगा। अगर तुम नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे वर्ड सुना रहेगा, ओके महाराष्ट्र में चलता है ये सुनो, अलग अलग जगह हर एक स्टेट में, लाइक गुजरात में अपना अलग कोई स्लैंग होगा, महाराष्ट्र में कोई अलग स्लैंग होगा, ओके नॉर्थ में कोई अलग स्लैंग होगा, ओके हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे कोई अलग स्लैंग होगा, बहुत अलग अलग स्लैंग होंगे, ओके। तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो, पूरे सिस्टम को एक स्टैंडर्ड दिया जाए, उस पूरे सिस्टम को एक बोलते ना एक कॉमन यूनिट दिया जाए, इसीलिए क्या आया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ओके। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दिस इज नथिंग बट एसआई यूनिट, इसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, ओके। सो व्हाट इज सीजीएस, सीजीएस यूनिट क्या बोलता है, सीजीएस यूनिट बोलता है कि सी इज योर सेंटीमीटर, जी इज योर ग्राम, एस इज सेकंड। मतलब अगर मेरा लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो मेरा मास ग्राम में होगा और मेरा जो टाइम है वो सेकंड में होगा। एमपीएस सिस्टम क्या बोलता है कि मेरा जो लेंथ है अगर वो मीटर में होगा तो मेरा मास किस में होगा, केजी में होगा, किलोग्राम में होगा, और टाइम क्या होगा, सेकंड में होगा। एफपीएस क्या बोलता है, अगर मेरा लेंथ फुट में हुआ तो मेरा मास पाउंड में होगा और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। और स्टैंडर्ड यूनिट, सो स्टैंडर्ड यूनिट का डेफिनेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, ओके ये जो बोलते हैं ना इसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, बट एक्चुअली वो स्टैंडर्ड नहीं होता, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, बट एसआई के लिए हम लोग मान के चल सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। तो स्टैंडर्ड यूनिट ने डेफिनेशन चेंज कर दिया। आप देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता था एमकेएस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ना ना एमकेएस में सिर्फ तीन ही क्वांटिटी डिफाइन थी, लाइक लेंथ, मास और टाइम, बट स्टैंडर्ड में सेवन क्वांटिटी डिफाइन हुई, वहां पे सात क्वांटिटी डिफाइन हुई स्टैंडर्ड में, ओके। सो बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड में हमको क्या क्या, हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ये क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन दी एनी अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, लाइक एबीसीडी, लाइक अल्फाबेट, ओके। देखो अल्फाबेट और किसी अल्फाबेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ए एक इंडिविजुअल है, बी एक इंडिविजुअल है, तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो और किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर, बात समझ में आ रही है सबको, एवरीवन, ओके। यहां पे देखो, ओके अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होता है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी को, उस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्प्ले करने के लिए, लाइक मतलब विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए, आइडिया देने के लिए, ओके सारा चीज होता है, दैट इज योर फंडामेंटल, ओके दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट, ओके। सो वी हैव सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमारे पास सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आए, हमारे पास कितने क्वांटिटीज आए, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आए, ये याद रखना, ओके। अब ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे हैं, मास जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी सुना रहेगा, मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में और उसका जो यूनिट होता है दैट इज केजी। लेंथ, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और उसका जो ये होता है सिंबल होता है दैट इज स्मॉल एम। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में जो कि स्मॉल एस। टेम्परेचर जिसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, देखो टेम्परेचर को डिग्री में भी करना बहुत जरूरी है, ओके डिग्री में भी हम लोग करते हैं, ओके बट वो एसआई यूनिट नहीं है, वो ध्यान देना, वहां पे डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग इसको करते हैं बट डिग्री सेल्सियस इज नॉट एसआई।
एसआई की जब बात आएगी तो वो कैल्विन होगा। ओके, अब यहाँ पे कैल्विन में कैपिटल ए आता है, याद रखना। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है, ये चीजें खाली बहुत कम लोगों को पता होती है कि यहाँ पे कैपिटल क्यों आता है। कि जब कभी भी किसी यूनिट का नाम नाउन होता है, नाउन बोले तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है, तो वो हमेशा कैपिटल आता है। जैसे एनर्जी, एनर्जी में जूल लगता है तो कैपिटल जे लगता है, स्मॉल जे नहीं लगता। बाकी सब देखो स्मॉल जे, केजी, मीटर, सेकंड, ये सब स्मॉल स्मॉल है। बट जैसे ही किसी इसका नाम आ गया ना, क्या बोलते हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो वो हमेशा कैपिटल हो जाता है। जैसे केल्विन का के कैपिटल, एम्पियर का ए कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज योर मोल। और ये हम लोग फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं देखेंगे, ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखेंगे। फिजिक्स में उतना ज्यादा मोल का काम नहीं है। तुम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में मोल कंसेप्ट पढ़ा, यस और नो, रिवाइज कर लो फटाक से मोल कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड दैट इज कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे उतना ज्यादा सिलेबस में है नहीं, मतलब कहीं पे भी तुमको देखने नहीं मिलेगा ये दो साल में, 11th और 12th में कहीं पे भी तुमको ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखने नहीं मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो लाइट है, देखो ल्यूमिनस मतलब लाइट, तो लाइट की इंटेंसिटी बताने के लिए जो क्वांटिटी यूज होती है, जो यूनिट यूज होता है, दैट इज योर कैंडेला। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीडी से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है। दीज आर द सेवन अल्फाबेट बोल लो, ये फिजिक्स के सेवन अल्फाबेट। ओके, और ये सेवन अल्फाबेट तुम लोग यूज करके, ये सेवन अल्फाबेट यूज करके दुनिया का कोई भी क्वांटिटी बना सकते हो, विच इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, विच इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज तुमको याद है ना, तो दुनिया का कोई भी क्वांटिटी ले लो, ये सात के सातों में से बना रहेगा, कहीं से बाहर से नहीं आया रहेगा। याद रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर ये सात क्वांटिटी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, द बेसिक यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट। ओके, ये बेस है फिजिक्स का। ये सात क्वांटिटी क्या है, बेस है। ये सात क्वांटिटी समझ गया, आगे सब समझ जाएगा, पूरा फिजिक्स समझ जाएगा। याद रखना, पूरा पूरा फिजिक्स। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, पूरा फिजिक्स समझ जाएगा, मतलब एटलीस्ट बेस तो समझ जाएगा, फिजिक्स का बेस तो समझ जाएगा। तो ये चीज याद रखना। ओके, सो वापस एक बार, मास, केजी, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन, इलेक्ट्रिक करेंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। बात समझ में आ गया एवरीवन? दीज आर द बेसिक सेवन फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट इज योर डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट इज योर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या, कि उस सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में से, ओके, उस सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक यूनिट दो यूनिट उठाया, मर्ज कर दिया, एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट उठाया, मर्ज कर दिया, चार पांच यूनिट उठाया, मर्ज कर दिया। मतलब द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, एग्जांपल से समझो इसको, एग्जांपल से समझो। मान लो स्पीड, देखो स्पीड किससे बना है, डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो? तो डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया लेंथ, और टाइम क्या हो गया तुम्हारा, टाइम। मतलब यहां पे लेंथ और टाइम है, मतलब दो क्वांटिटी को मिक्स करके एक सिंगल क्वांटिटी बनाया, दैट इज स्पीड। ओके, डेंसिटी देख लो, डेंसिटी किससे बना, मास एंड वॉल्यूम, किससे बना, मास एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम खुद में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम खुद में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। पहले देखो वॉल्यूम देख लो, एरिया देख लो, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज लेंथ, बट व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज आल्सो लेंथ, एक टाइप का लेंथ ही है ना वो ब्रेथ। ऐसा कुछ है नहीं कि ब्रेथ को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी तो मीटर में ही मेजर करते हैं ना, तो ब्रेथ भी क्या हुआ, एक तरह का लेंथ ही हुआ। बहुत बढ़िया, तो लेंथ मतलब लेंथ, ब्रेथ मतलब ब्रेथ, यस और नो? ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मतलब एक लेंथ और दो लेंथ। बात समझ आ रही, नहीं समझ? तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। वैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यस और नो? तो लेंथ हो गया, तो ब्रेथ होगा, नथिंग बट अ लेंथ, हाइट भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब तीन बार लेंथ कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, दो बार एरिया कर दोगे, दो बार लेंथ कर दोगे तो एरिया मिल जाएगा। अब अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। सो दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो सात क्वांटिटी देखा था उन्होंने, ये सात क्वांटिटी को छोड़ के, ये सात क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज तुमको दिखेंगी ना, दैट विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी हमारे पास, देखो इसके ऊपर पूरा फिजिक्स है, दो साल पूरा इसके ऊपर ही पढ़ना है,
पूरा का पूरा इसके ऊपर पढ़ना है ओके। सो ये हम लोग इलाबरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम लोग बहुत ज्यादा इलाबरेट करेंगे जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तब इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है ओके। नेक्स्ट एक और क्वांटिटी है, एक और यूनिट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो ये क्वांटिटीज क्या है कि ये हमको हेल्प करती है ओके। अकेला ये उतना वजूद नहीं है इसका, अकेला कोई महत्व नहीं है, बट हमको क्वांटिटी समझने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट इज योर प्लेन एंगल, और जिसको हम लोग सिर्फ एंगल बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर सॉलिड एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल और एंगल, हम लोग ने बचपन से 8 9 10th में पढ़ा हुआ है एंगल क्या होता है ओके। नथिंग बट एंगल बिटवीन टू लाइन ले लो, या फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन ले लो, मतलब ये एक एंगल हो गया बराबर, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये एक एंगल हो गया। सो ये एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आरएडी से, और उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाय आर। व्हाट इज डी थीटा, नथिंग बट दिस एंगल। व्हाट इज डी एस, नथिंग बट आर्क लेंथ, इसको तुम लोग आर्क लेंथ बोलते हो, यस और नो, टेंथ का ये मैथ्स याद करो, और ये तुम्हारा रेडियस हो जाता है, ये तुम्हारा रेडियस हो जाता है। तो वी हैव द रिलेशन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाय आर, डी एस इज नथिंग बट आर्क लेंथ, ये हमारा आर्क लेंथ है, डी थीटा इज नथिंग बट एंगल। अब ये डी क्या है, तो बहुत छोटा जब होता है, जब कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसको हम लोग डी थीटा लिखते हैं ओके। क्यों लिखते हैं, आगे कहानी है, पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या होता है, ये नई चीज है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट इट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ओके। अब ये डेफिनेशन को दो मिनट साइड में रखो और इसको समझने की कोशिश करो, ये एक है क्या, मान लो कि यहाँ पे एक स्फीयर है, मान लो यहाँ पे एक स्फीयर है ओके। अब यहाँ पे एक स्फीयर है, उस स्फीयर को देखने के लिए मेरी आंखें जो एंगल बना रही है, मेरी आंखें जो एंगल बना रही है, दैट इज योर सॉलिड एंगल ओके। मान लो कि यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एक बुक है ओके, ये बुक है। अब ये बुक को देखने के लिए मेरी जो आंखें एंगल बना रही है, देखो चारों तरफ मेरी आंखें एंगल बना रही होंगी, दैट इज द सॉलिड एंगल। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट सॉलिड एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टी रेडियन ओके। स्टी रेडियन बोल लो, स्टेटी रेडियन बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टी रेडियन बोल लो। और उसको एस आर, इसका सिंबल कैसा है, एस आर, रेडियन का सिंबल कैसा है, आर ए डी, रेडियन का सिंबल कैसा है, आर ए डी ओके। ये हमको ज्यादा देखने नहीं मिलेगा फिजिक्स में, तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन याद रखना ओके, सिर्फ डेफिनेशन ही हमको आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। इसका फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज डी ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ओमेगा इज नथिंग बट डी ए, नथिंग बट एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट एरिया ऑफ दैट स्फीयर, एंड आर मतलब बोले तो रेडियस का स्क्वायर ओके, रेडियस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है एवरीवन, ओके वेरी गुड ओके। सो ये जो दो क्वांटिटीज है ना, ये क्वांटिटीज अकेले उतना ज्यादा महत्व नहीं रखती, बट साथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज में बहुत ज्यादा, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा देखेंगे, बहुत ज्यादा ओके। मैथ्स में तुम लोग ये चीज बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो ओके, तो उसका टेंशन मत लो। बात समझ में आई सबको, क्वांटिटीज समझ में आया सबको, कौन कौन सी क्वांटिटीज होते हैं, कितने टाइप्स के क्वांटिटीज होते हैं, व्हाट इज बेसिक क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, एवरीवन ओके ओके। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वी हैव सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड वी हैव अनलिमिटेड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई गिनती नहीं है ओके, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी एक एक करके हम लोग देखेंगे। एंड वी हैव टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। क्लियर, बात समझ में आया सबको ओके। सो क्वांटिटीज याद होनी चाहिए, देखो क्वांटिटीज अगर तुमको याद हुई तो इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज द डायमेंशन, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है डायमेंशन ओके। सो यहाँ पे ये चीजें अच्छे से लाइक इसका नोट बना लो, अच्छे से याद कर लो ओके। सेवन क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लियर हो गया तो उसके बाद का टॉपिक कोई टेंशन वाला बात नहीं रहेगा। क्लियर एवरीवन, बात समझ में आई सबको ओके। चलो सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया तुम लोगों ने, अगर वीडियो तुमको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए ओके। कमेंट करके लिए जो भी तुमको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके वो फीडबैक दे सकते हो या फिर डाउट पूछ सकते हो ओके। वो हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेगा हमेशा ओके। और अगर चैनल पे तुम लोग फर्स्ट हो ओके, अगर नए हो तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारा कॉन्टेंट मिलने वाला है, 11 12 8 9 6 7 पूरा कॉन्टेंट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओके। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।